नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 13 अगस्त 2018 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का हम लोग विश्लेषण करेंगे। यह यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं सभी साथियों से यह ज़रूर अपील करूँगा कि देखिए, इस एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम में, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ज़रूरी है। हमारी प्रिपरेशंस में वो एक तरीके से अग्रेशन होना चाहिए, तेज होना चाहिए और पैशनेट हम लोग होने चाहिए। उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात हिंदी और इंग्लिश की नहीं है, बात है हमारे विजन की, हमारे दृष्टिकोण की, और दृष्टिकोण ही आप लोगों को आईएएस बनाता है, ठीक है। तो दृष्टिकोण स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पेज पे एक न्यूज आती है। यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड न्यूज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जो हम लोगों को देखनी है, ओबीसी आरक्षण के बारे में बात हुई है। ओबीसी को भी हटा दीजिए, आरक्षण व्यवस्था पर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि रिजर्वेशन से अभी भी इतना बेनिफिट नहीं हुआ, या फिर रिजर्वेशन जो बोलते हैं हम लोग, एक लिमिटेशंस कुछ कास्ट तक ही लिमिट रहा है, या जो रिजर्वेशन दिया गया है कि लगभग 2400 जातियां अगर बैकवर्ड कमीशन में शामिल हैं, बैकवर्ड जातियों में, जो पिछड़ी जातियों में शामिल है, उनको लाभ प्रॉपरली नहीं मिलता है हर जाति को, ये एक सवाल उठता है। लेकिन इस सवाल से पहले जब हम देखते हैं, मंडल आयोग ने, जिसने एक तरीके से सिफारिश की थी कि कुछ जातियों को पिछड़ा दर्जा देते हुए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, 27% के आसपास के आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक शंका उन्होंने भी की थी कि कहीं ऐसे ना हो कि जो क्रीमी लेयर है, ऐसी जातियाँ जो कह सकते पिछड़ों में भी अगड़ी हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई बैकवर्ड क्लास है, लेकिन वो उन बैकवर्ड क्लासेस में एक तरीके से सर्वोपरि है, ठीक है। कहीं ये ना कि जो पूरी जो रिजर्वेशन है वो उन्हीं तक लिमिटेड रह जाए, ये डाउट हमेशा होता था। और एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि क्रीमी लेयर एक ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद अगर आपके पास इतना पैसा या आपकी कंडीशन इस प्रकार से, तो आप बैकवर्ड में नहीं काउंट करे जाते, ठीक है। आपको मतलब जनरल रिजर्वेशंस मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2011 में भी इस प्रकार की सिफारिश थी कि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि रिजर्वेशन प्रॉपरली शिफ्ट हो। और अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि NCBC जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको अभी आरक्षण संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसको और मजबूती हमें देखने को मिल सकती है। यानी जो आरक्षण के प्रावधान किया गया वो पूर्णतः सबको मिले, इस प्रकार की चर्चा हो सकती है। संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 338B के तहत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको भी ध्यान रखिए। और देखिए, आपसे एक प्रार्थना ज़रूर रहेगी, रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि धर्म, आरक्षण और राजनीति, इन शब्दों से एक तरीके से अपना ध्यान, मतलब अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जो रिजर्वेशंस है वो रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आरक्षण पर, सॉरी, राजनीति पर कोई डिबेट हम लोगों को करना नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है। राजनीति पर हम पॉलिटिशियन नहीं बनना है। दूसरी बात आती है धर्म की, तो धर्म, सभी धर्म अच्छे हैं, इंसान अच्छा है बुरा होता है, धर्म अच्छा है बुरा नहीं होता, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, सीधा अपनी तैयारी पर कंसंट्रेट करना है। उलझना नहीं, कहने का मतलब ये उलझ मत जाइयो, नहीं तो फिर और इश्यूज होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं, केंद्र सरकार ने, केंद्र ने दी सलाह, दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क न करें राज्य। देखिए, केंद्र सरकार का एक तरीके से हक होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति को एक तरीके से संचालित करे, लेकिन इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है कई राज्य सीधा एक तरीके से दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं। और खासकर गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करा है कि खासकर कुछ देशों जिनमें चीन, ईरान और अफगानिस्तान में अगर आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो ये सही नहीं है और अच्छा नहीं है। एक तरीके से नाराज़गी व्यक्त करी कि हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट किए जाते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई है। और जितनी भी आप लिस्ट देखेंगे, यूनियन लिस्ट है या फिर स्टेट लिस्ट है या फिर जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, संघ सूची के तहत एक तरीके से विषय में शामिल किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज आती है कि भारत के जो सूरज प्रसाद नायपाल जी थे, ये ऐसे व्यक्ति थे, हालांकि
भारतीय मूल के थे, हिंदुस्तान के तो नागरिक नहीं थे, इंग्लैंड के नागरिक थे। और ये ऐसे नागरिक हैं जो 2011 में इनको साहित्य के लिए एक तरीके से पुरस्कार दिया गया था, एक तरीके से नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने औपनिवेशिक एक तरीके से उन पर मतलब औपनिवेशिक जितनी भी इकोनॉमी रही उपनिवेश के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। देखिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट न्यूज हम लोगों को लिए एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, एक जो राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में कि आसान नहीं है एक साथ चुनाव की मंजिल। देखिए चुनाव प्रक्रिया में राज्य विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव के बारे में पक्ष और विपक्ष अलग अलग राय हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे कि ये क्यों संभव, क्यों चैलेंजिंग है। मुश्किल बहुत सारी होंगी प्रक्रिया को संचालित करना इतने बड़े स्तर पर, लेकिन इसके लिए क्या प्रोविजंस अपनाने पड़ेंगे, हम लोगों को यहाँ इस पर केंद्रित रहना है। संविधान में 5 संशोधन हमें करने पड़ेंगे जिनके तहत अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 को संशोधित करना पड़ेगा। अब आवश्यक इन अनुच्छेदों के बारे में हम लोग समझ लें ताकि जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो 5 अनुच्छेद हमारे तैयार हो, हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि 5 अनुच्छेदों का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 83 के अंदर संसद के सदनों की अवधि में से संबंधित बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, और फिलहाल अवधि संबंधित सदन की बैठक में निर्धारित होता है, इसे बदलकर एक तिथि तय करनी होगी। अनुच्छेद 85, 85 में लोकसभा और विधानसभा के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विघटन संबंधी अधिकार है। एक साथ चुनाव की स्थिति बनाने के लिए कई राज्य के विधान सभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना होगा और इसके लिए अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। 174 में राज्यों की विधानसभा संबंधी विघटन के नियम है और इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। तो सारे प्रोविजंस के बारे में बातचीत यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत नेट एक सरकार की योजना है, उसके बारे में चर्चा की गई है। भारत नेट एक तरीके से इस प्रकार की योजना कि भारत के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर आपने डिजिटल इंडिया स्कीम को थोड़ा देखा हो तो उसके अंदर 9 पिलर हैं, 9 ऐसे स्तंभ हैं जिसके माध्यम से ब्रॉडबैंड हाईवेज को कनेक्ट करना है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब लगातार सरकार उसको तेजी से बढ़ रही है कि हालांकि पहले भी 2011 में भी इस प्रकार की स्कीम हुई थी, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, लेकिन वह ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो 2015 में नए नाम के साथ नई योजना शुरू हुई भारत नेट, और इसका धीरे धीरे चाहे वो सरकारी टेलीकॉम कंपनीज हो या फिर जो प्राइवेट एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इस तरह की कंपनीज के माध्यम से ग्रोथ बढ़ रही है। इसके अलावा अब ये क्यों आवश्यक है कि हम लोग भारत नेट जैसी योजनाओं पर बल दें, तो इन्होंने सरकार ने बताया कि सरकार लगातार डिजिटल चीज़ों को ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई हेल्थ, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम लोगों को सरकार के बारे में, बैंक के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हो। इसके अलावा स्वदेशी उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की जो कार्यक्रम की बात है उसको सफलता के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के योजनाओं को आगे बढ़ें। और अगर भारत नेट सक्सेसफुल हो जाता है तो सकल देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.3% अर्थात 4.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। तो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है इस चीज़ से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। धरातल पर आवश्यक है उतारा जाना, और उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं कि सरकार कदम बहुत अच्छे उठा रही है और इनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी फोकस करना चाहिए, बल देना चाहिए। देखिए यहाँ पर विचार वाला जो पेज है इसके अंदर हम लोगों को एक ही ऐसा आर्टिकल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये है अंगदान बचाता है अनेकों की जान। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी चर्चा में रहा इन दिनों। तमिलनाडु के बारे में जो इश्यू हुआ, तमिलनाडु में एक सवाल उठा था, एक चर्चा आई थी कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो स्वदेशी नागरिक है उनके बजाय विदेशी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, यहाँ पर करप्शन वहाँ पर देखने को मिला। और आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ या आपके लिए थोड़ी सी जानकारी बढ़ा दूँ, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो मेडिकल टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन में सबसे आगे है हिंदुस्तान में। ये खास बात उस राज्य की है और अंगदान खासकर इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल को हम लोग बड़े डिटेल से पढ़ेंगे।
पहली बात, देश में 5 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं, इसलिए जरूरी कि जो व्यक्ति की संभावनाएं नहीं है कि उनकी बचने की संभावनाएं नहीं होती, तो उन व्यक्ति के अंगों के माध्यम से 5 से 6 लोगों की जान बच सकती है, एक व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सभी समुदाय पंथों में इस बात को काफ़ी माना जाता है कि जो दानकर्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर हम अंग दान करते तो जितनी परंपराएं उनमें माना जाता है बहुत बड़ा एक तरीके से दान होता है। हालांकि कई समस्याएं भी है, एक तरीके से एक भावनात्मक संबंध होता है हमारा अपने व्यक्तित्व से जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कई सारी प्रक्रियाओं का पालन करना, ठीक है, इसके अलावा अभी भी हम देखते हैं कई राज्यों में ही ये कुछ ही राज्यों में इस प्रकार की सुविधाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो, ये पॉसिबल अभी भी नहीं हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति जो है 5 प्रकार के अंगों को प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जिनमें किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और अग्नाशय पेंक्रियाज है, और इनमें किडनी की मांग बहुत ज़्यादा होती है, और प्रत्यारोपित जो किडनी होती है ऑलमोस्ट 9 साल तक तो प्रॉपर काम करती है। इसके अलावा लीवर्स में काफ़ी एक तरीके से 2 साल तक हम लोग 2 व्यक्तियों तक काफ़ी चीज़ें जो है वो 2 व्यक्तियों के जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अंग जैसे उत्तक हैं, रक्त स्टेम सेल है, प्लेटलेट है, हड्डियाँ, त्वचा, हृदय के वॉल जो हैं, नसें दान किए जाते हैं, कॉर्निया जो कि आँख का एक इम्पोर्टेंट अंग है वो भी एक तरीके से नेत्रहीनों को जीवन में रोशनी दे सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक सवाल है कि ये प्रक्रिया जो अंगदान की बड़ी डिफिकल्ट सी है, सरल प्रक्रिया नहीं है। पहली चीज़ हमें वो मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टर को वेरीफाइड करना पड़ेगा, इसके बाद परमिशन लेनी पड़ती है घर वालों से भी और सरकार से भी, कई सारी चीज़ें हैं। और ये अभी नियम है कि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अगर मर जाता है या फिर ऐसी डेड बॉडी जो मतलब अनजान है उसका हम अंग नहीं निकाल सकते, ये प्रोविजन्स हैं, ये लीगल इश्यूज हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों को छोड़ दें तो बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ जिसके माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। देश में लगातार 2 लाख प्रतिवर्ष 2 लाख किडनी, 50,000 हृदय और इतने ही लीवर चाहिए अगर हम लोगों को मतलब अगर हमें इसमें सक्सेसफुल होना है। लेकिन इसमें अभी भी जो एक्सेसिबिलिटी है, अभी भी उपलब्धता जो है केवल 1/4 है, और हिंदुस्तान उन कंट्रियों में जहां पर सबसे कम रुचि दिखाई जाती है अंगदान में। मैंने पहले ही बताया इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं, भावनात्मक संबंध हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, डॉक्टर की फैसिलिटीज की इश्यू हो सकती है, प्रोसेस जो है फेयर नहीं है, ये भी एक इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नोटो जैसी एजेंसी राष्ट्रीय अंग और उत्तक संगठन है, उसकी काफ़ी भूमिका होती है। हालांकि जो पिछले दिनों तमिलनाडु में हुआ था वो भी एक तरीके सवाल उठाता है कि भाई नोटो की क्या भूमिका इस क्षेत्र में है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि काफ़ी चीज़ें हम लोग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं, और हिंदुस्तान के अगर हम 5 लाख नागरिकों को बचा लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो खर्च व्यक्तियों का वहाँ होता है ये अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हम बात करते हैं युवा आबादी की या युवा हिंदुस्तान की, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देंगी। देखिए, इसके लिए यहाँ पर जो ज़रूरी न्यूनतम मजदूरी वाला एक आर्टिकल है, इसके तहत अभी जो न्यूज़ में क्यों रहा था इसको मैं आपको थोड़ा बता दूं। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों जो न्यूनतम मजदूरी है हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे अधिक उन्होंने कर दी थी, हालांकि जो उच्च न्यायालय, उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, प्रक्रिया पूरी तरीके से फॉलो नहीं की गई है इस बात को लेकर। तो फिर से ये मुद्दा चर्चा में आ गया और इस बात पर लगातार डिबेट है कि क्या मजदूरी जो है न्यूनतम मजदूरी बढ़ा देने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, न्यूनतम मजदूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो जो लेबर क्लास है, श्रमिक संगठन है, उनको ऊपर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अर्थव्यवस्था केवल श्रमिकों के आधार पर नहीं चलती, वहाँ प्रोडक्शन कितना होता है, प्रोडक्शन की उत्पादन की लागत कितनी होती है, और लागत के साथ साथ उस उत्पाद को खरीदने वाले कितने होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा महंगा होने पर स्वाभाविक सी बात उसकी सेल कम होती है, और किसी भी प्रोडक्ट को बनने में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, और श्रम यानी उसमें कितनी पैसा लगा है वो भी एक तरीके से लागत का हिस्सा होता है।
इन सभी फैक्टर्स में अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय रही है, उसी के बारे में आर्टिकल विश्लेषण किया गया है। तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जस्ट एक टॉपिक था जो हम लोगों को देखना था, और ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें कह सकते हैं श्रमिक संगठन के बारे में, श्रमिक श्रम से संबंधित जो समुदाय उसके बारे में, तो इसको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं। डाटा बहुत ज़्यादा है, फैक्चुअल सा है, तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, जो रिलेवेंट सा नहीं बन रहा टॉपिक। देखिए बिजनेस सेक्शन में दो ऐसे शब्दों के बारे में डिस्कशन किया गया, ADR और GDR, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ADR का मतलब क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट बोलते हैं इसको। एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी विदेशी सिक्योरिटी के बदले में अमेरिका में जारी किया जाता है, जबकि मूल सिक्योरिटी किसी बैंक या संस्थान के पास दूसरे देश में रखी जाती है। ये ADR का मतलब है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड एक तरीके से कर जाते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आप कोई भी लोन लेंगे या कोई भी आप इस प्रकार की चीज़ें, पैसा आपको चाहिए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट। उसके अलावा ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट क्या है, ग्लोबल रिसिट जो होता है, असल में GDR एक ऐसा प्रपत्र जो भारत से बाहर स्थित डिपॉजिटरी बैंक अनिवासी निवेशकों, अनिवासी मतलब ऐसे नागरिक जो वहाँ पर निवास नहीं कर रहे, निवेशकों को जारी करते हैं। जिन देशों में जारी किया जाता है वहाँ के शेयर बाजार पर इसे ट्रेड किया जा सकता है। ये सामान्य शेयर या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी के शेयर के आधार पर जारी किया जाता है। कंपनी जब यूरो जुटाने के लिए यह तरीका अपनाती है तो इसे यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डिपॉजिटरी रिसिट्स है वो कहीं ना कहीं उनके नाम से संबंधित होते हैं, किस प्रस्पेक्ट में उसको यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए विश्व दृष्टिकोण से यहाँ पर कैस्पियन सागर से संबंधित 5 देशों के मध्य एक समझौता हुआ है, और UPSC सिविल सेवा या अन्य राज्य सेवाओं में लगातार भूगोल से संबंधित या वैश्विक भूगोल से संबंधित सवाल हुए हैं। ये 5 देश हैं जिनका एक समझौता हुआ है, जिनमें अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान हैं। इनके मध्य एक समझौता होता है जो कि एक तरीके से आपस में जितने भी तनाव है उनको एक तरीके से काउंटर करने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनमें सबसे ज़्यादा ईरान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान इन दिनों प्रतिबंध लगातार झेल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से, और उन्हीं प्रतिबंधों के कारण ही वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है, मुद्रा की जो क्षमता है वो लगातार कम हो रही है। तो तनाव को कम करने के लिए 5 देशों, इन 5 देशों की ज्योग्राफी हम लोगों को देखनी है। अगर मैं आपको मैप में दिखा पाऊँ कैस्पियन सी, देखिए यहाँ पर ये मैप है कैस्पियन सागर का, और यहाँ पर आप देखेंगे अजरबैजान यहाँ पर है, दूसरी कंट्री यहाँ पर जो ईरान के बारे में चर्चा हुई थी तो ये यहाँ से ईरान टच करता है। इस क्षेत्र में जो है तुर्कमेनिस्तान, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो कजाकिस्तान, और ये ऊपर का जो रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये बड़ी संख्या में रशिया यहाँ पर है। तो ये 5 देश हैं, जॉर्जिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। जॉर्जिया जो है वो टच करता है ब्लैक सी से, काला सागर, और यहाँ पर आर्मेनिया आपको एक कंट्री दिखेगी, दोनों में एक तरीके सेंट्रल है। कहीं ये पूछ ले ब्लैक सी और कैस्पियन सी के मध्य कौन सी देश है जो कि लैंड लॉक्ड किसी भी समुद्र से नहीं लगती, तो आर्मेनिया एक ऐसे देश है। बहुत यूनिक कंट्रीज के बारे में यहाँ पर मैपिंग में हम लोगों को, मैपिंग जरूर करते रहिए, थोड़ा सा आप लोगों को ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ल्ड की भी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। यहाँ पर उत्तराखंड की नेलोंग घाटी से संबंधित न्यूज है, नेलांग घाटी उत्तराखंड के अंदर है, और ये बताया गया कि इनर लाइन परमिट से अभी बाहर होने हो जाएगी। इनर लाइन परमिट होता क्या है कि एक विशेष क्षेत्र होता है जो मतलब दूसरे देशों की सीमाओं के नज़दीक स्थित वह क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से महत्व रखता है, यानी हमारे लिए एक स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंस है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में जो इनर लाइन परमिट जारी करते हैं, यानी आपको परमिशन लेनी पड़ती है अगर वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम देखते हैं वहाँ पर प्रोविजन ये होता है कि वहाँ के ट्राइबल्स को या फिर जो सेंसिटिव एरिया वहाँ पर जाने के लिए को परमिशन लेनी पड़ती है, और स्ट्रेटजिकली रूप से यानी दृष्टि सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी बारे में इसको उत्तराखंड में भी बाहर होने वाला है, तो उसके बारे में न्यूज़ में है, समाचारों में है। अंतिम है सूर्य नमस्कार करने निकला नासा का पार्कर सोलर प्रोब। देखिए आप लोगों कईयों को लगता होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसमें मेहनत करिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर 5-6 क्वेश्चंस भी हम लोग कर पाते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही, 5-7-10 क्वेश्चन तक भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, अग्रेशन होना चाहिए आपकी तैयारी में। हम लोग यहाँ कुछ छोड़ने के लिए नहीं आए, हम लोग मेहनत करके और अच्छा उसको करने आए हैं। तो क्वेश्चंस को मत छोड़िए और इसको थोड़ा समझिए इश्यूज को। पार्कर सोलर प्रोब जो है एक तरीके से सोलर को प्रोब करेगा, नासा का एक ये अभियान है और बड़ा यूनिक है क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार से डेवलप किया गया है। इसकी जो त्वचा देखिए बाहर से इस प्रकार से इसको सील्ड किया गया है, हीट सील्ड लगाई गई है ताकि टेम्परेचर कितना भी खतरनाक टेम्परेचर क्यों होना जा हो जाए, 13,000 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा टेम्परेचर हो जाता है, उनको भी कंट्रोल कर सकता है ये इतना बड़ा अभियान है। इसके अलावा अगर हम देखें क्या काम करेगा ये अभियान, उस चीज़ को समझिए यहाँ पर। इस अभियान के तहत पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे सक्रिय भारी वायुमंडल यानी कोरोना तक जाएगा। ये ध्यान रखना कोरोना है क्या, कभी कभी ये मैचिंग में पूछ लेते क्रॉस मैचिंग में। इसके अलावा 7 साल के दौरान ये सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा, इस दौरान कोरोना की भौतिकी के अध्ययन करेगा यानी फिजिक्स के बारे में समझेगा उसके बारे में। कोरोना सूर्य का वह स्थान है जहाँ धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार सर्वाधिक गतिविधियाँ होती हैं। यह सूर्य के बाहरी वायुमंडल में इतना अंदर तक जाएगा जहाँ से सूर्य का मध्य हिस्सा केवल 61.6 लाख किलोमीटर दूर हो जाएगा। ये फैक्ट हम लोगों को देखने चाहिए। इसके चुटाए आंकड़े सूर्य के भौतिकी रहस्यमय कोरोना के में प्रशिक्षण हो रहे बदलाव और सौर हवाओं के अंतरिक्ष के मौसम को समझने में बहुत सहायक होंगे। इसके अलावा यहाँ पर दिसंबर में भेजेगा पहला आंकड़ा सोलर प्रोब जो है, इसका अभियान लगभग 7 साल तक जून 2025 तक चलेगा और ये इसी दिसंबर से आंकड़े जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था आज के दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, जय हिंद।